हेलो फ्रेंड्स, मैं कलीम, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, ये गाड़ी है सेंट्रो, इसका जो स्टार्टर मोटर खोलते हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो इसको खोलने का तरीका आप लोगों को बताऊंगा। तो पहले तो हम इसमें जैक लगा लेंगे, जिन भाइयों के पास लिफ्ट नहीं है, जैक लगा के गाड़ी ऊँचा कर देंगे। और सेफ्टी के लिए जो हम लगा देंगे इसको स्टैंड, उसके बाद जो बैटरी का वायर है हम ये खोल देंगे, बाहर कर देंगे इसको। उसके बाद सेल्फ के दो 12 नंबर का स्टार्ट होता है, एक यहाँ होता है और इसके एक नीचे होता है। तो फ्रेंड्स, मैं बताऊंगा आप लोगों को बिल्कुल शॉर्टकट तरीका, जल्दी से हमारा जो स्टार्टर मोटर है ये वाला, ये खुल जाए। तो सबसे पहले हम बैटरी के वायर खोलने के बाद ये जो अल्टरनेटर है, इस अल्टरनेटर का ये कपलर निकालना पड़ेगा। ये हमारा बोल्ट है जो नट, ये भी खोलना पड़ेगा अल्टरनेटर का मेन वायर। उसके बाद जो ये हमारा दिख रहा है इंजन के साथ लगा हुआ है ये वाला माउंटिंग, ये जो प्लेट है माउंटिंग प्लेट, इसको खोलना पड़ेगा। इसके लिए 14 नंबर लगता है, इसमें 3 बोल्ट होते हैं इसमें। इसका बोल्ट एक यहाँ पे है और दो वहाँ सामने, एक ये और ये 3 हम बोल्ट खोल लेते हैं। उसके बाद में हम इसका ये वाला जो मेन बैटरी वायर खोलेंगे, एक स्विच के जो थिम्बल है वो खोलेंगे, फिर आपको दिखाता हूँ इजी कैसे निकलता है। तो फ्रेंड्स, हमने इसका वायर निकाल दिया है, इसका कपलर निकाल दिया है। ये जो प्लेट थी हमारी, ये प्लेट भी हम निकाल दिए खोल के, सेल्फ के बोल्ट भी खोल दिए सब कुछ। अब देखिए कैसे इजी निकलता है, नहीं तो ये फंस जाता है। ये हमारा है स्टार्टर मोटर, ये स्टार्टर मोटर है। तो देखा फ्रेंड्स कितना जल्दी हमने निकाल दिया इसको खोल के, थोड़ा सा टाइम लगा। ये जो प्लेट है, बस ये जो प्लेट है इसको खोलने में थोड़ा सा टाइम लगता है और जल्दी हमारा इजी निकल जाता है। कई दोस्तों को पता नहीं है जो नए नए होते हैं उनको, इसलिए सोचा हमने वीडियो बना लूँ। इसके दो ही बोल्ट होते हैं यहाँ पे, तो हम इसको रिपेयर करेंगे और फिट कर देंगे। तो ये रहा हमारा सेंट्रो का सेल्फ खोलने का तरीका जल्दी से। तो हमारी जानकारी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, चैनल को